हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इंडिसेस और पावर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? कि जो इंडिसेस होता है उसका रोल क्या क्या होता है, घातांक का नियम क्या होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होते हैं, कुछ मतलब नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और कॉपी और पेन के साथ बैठिए, क्योंकि जो यहाँ पे रूल बताए जाएंगे वो आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जिससे आप आगे भी कभी अगर भूल जाएं तो उसको देख सकें, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि ये आखिर होता क्या है ना, मतलब इसमें क्या क्या रूल बनता है। तो इसमें देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लें, कि जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जान लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद ये देखें यहाँ से लेकर के ये रूल हैं इसके, ठीक है? तो एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है? इसको कैसे मेमोराइज करना होता है, इसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जैसे जो पावर्स होती हैं, जो इंडिसेस होती हैं, वो क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2 × 2 × 2 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? अब इसको जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में हो जाए, कि मतलब मान लीजिए कि कम से कम इसको 50 बार लिखना है, ठीक है? इसको 50 टाइम्स लिखना है, तो आप ये 2 2 2 2 करके कितनी बार लिखेंगे? 50 बार लिखेंगे। तो इसी को पावर के रूप में, इंडिसेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं इंडिसेस आर पावर्स। तो जैसे इसको या तो 50 बार लिखें या तो सीधे क्या लिख दें, 2 की पावर में 50, ठीक है? तो मतलब इंडिसेस का जनरल इंट्रोडक्शन क्या हो गया कि ये ऐसी क्वांटिटी होती है ना, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो खुद का ही पावर होते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या जो होती है नंबर ऑफ पावर्स के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे कितने टर्म है, 50, 50 टर्म है ना, 50 टर्म है, तो ये पावर के इक्वल हो जाएगा, इंडिसेस के इक्वल हो जाएगा। और इसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, जिस नंबर के बारे में बात करेंगे वही उसका बेस रहेगा। तो यहाँ पे जो नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, और जो पावर होती है उसको इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है? इसको पावर्स बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जिस नंबर के बारे में बात करेंगे वो बेस कहलाएगा, जो ऊपर होता है वो डिग्री होता है। और इस पूरे फॉर्मेट को, मतलब इसको आसान तरीके से लिखने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंडिसेस या पावर्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये बस हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, क्योंकि मेन हम लोगों को समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं इसमें। तो रूल्स के बारे में मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि इतने रूल्स को हमें समझना है और पढ़ना है, तो मैं एक एक रूल को पहले बताता हूँ, ठीक है? कि एक एक रूल को अलग अलग मैं आपको पहले समझाता हूँ, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, अब पहला रूल आपने पढ़ा था, कौन सा रूल था, प्रोडक्ट वाला, ठीक है? प्रोडक्ट वाले रूल में आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट रूल में ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो आपको क्या करना होता है, पावर को ऐड करना होता है। तो इसका कितना आ जाता है, ए प्लस एम हो जाता है। आप इसको फर्स्ट रूल को नोट कर लीजिए। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए सही है कि नहीं है, तो मान लेते हैं ए की जगह पे हमने 2 ले लिया, तो 2 की पावर में 3 × 2 की पावर में 2 मान लेते हैं, तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है? अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कितना आएगा। तो अगर 2 की पावर 3 को आप देखें, तो जनरली आप इसको क्या करते हैं, 2 × 2 × 2 करते हैं, और 2 की पावर 2 को क्या लिखते हैं, 2 × 2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 2 + 8, 2 + 16, 2 + 32 आया, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अगर राइट हैंड साइड में देखें तो ए की जगह पे आप 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, एम की जगह पे 3 और एन की जगह पे 2, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 5, और इसका भी आंसर कितना आता है, 32 आता है। मतलब ये फर्स्ट रूल एकदम सही है, ठीक है? तो फर्स्ट रूल को आप मेमोरी में रखिए कि जब मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर ऐड हो जाती है, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे पावर 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, कभी भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल। अगर अगले रूल को हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें देखें दिया है कि अगर मान लीजिए दूसरा रूल है ए की पावर एम कि पावर में एन लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसको सीधे कह रहा है कि अगर इस तरह से लिखा रहे तो आप सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए की पावर एन को अंदर कर सकते थे और एम को बाहर कर सकते थे, ठीक है?
इसको आप ध्यान में रखना है। अब इसका अगर प्रूफ के बारे में बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि 2 m की जगह पे ले लेते हैं 3, और पूरे के पावर में कितना है, मान लेते हैं n की जगह पे 2 ले लेते हैं, m की जगह पे हमने 3 ले लिया और n की जगह पे 2 ले लिया, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पावर में 2 है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ हम लोग रखें, 2 m की जगह पे 3 और 2 की जगह पे 2, तो ये 2 की पावर में कितना हो गया, 6। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 64 होती है। वहीं चीज़ यहाँ पे भी सॉल्व कर लें, एन की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, और एम की जगह पे क्या रख दिया, 3। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, पावर में क्या है, 3। 4 की पावर 3 कितना हो जाता है, 64। मतलब ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रूल बना है, बिल्कुल सही है, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में आप अपना अप्रोच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तीसरा रूल। अब मैं सारे रूल को प्रूफ नहीं कराऊंगा, अब इसको बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तीसरा रूल है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a की पावर जब डिवाइड की बात करें तो माइनस कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और डिवाइड की बात करेगा तो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा अपने से, और कमेंट में बताइएगा कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है। a की जगह पे आपको 2 रखना है, m की जगह पे 3 रखना है, और n की जगह पे 2 रख देना है। आप ये रख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब जो चौथा रूल है वो क्या है, कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब चाहे वो नंबर 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद रूल नंबर आ जाता है 5। अगर a की पावर में -1 है, ठीक है, a की पावर में अगर माइनस में चला गया है तो आप क्या करेंगे, कि 1 अपॉन a की पावर में, इसको मतलब ऐसे आप समझिए, a की पावर में -1 है तो आप इसको एक लाइन ऐसे और लिख लीजिए, a की पावर में -1 अपॉन 1 लिखिए, ठीक है। फिर क्या करिए कि इसको उल्टा कर दीजिए, तो 1 अपॉन a की पावर में +1 हो जाएगा, मतलब जो -1 था नीचे आके क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर a की पावर में -1 है तो इसका आंसर कितना आया है, 1 अपॉन a, ठीक है। ये पूरा आप नोट करिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि a की पावर में अगर -2 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन a की पावर में +2 लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि a की पावर में अगर -m दिया गया है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a की पावर में m। तो ये दो दो तीन चार बातें जो मैंने ये सब लिखी हैं आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है, पांचवे रूल में, ताकि आप एकदम क्लियर रहे। उसके बाद देखें जो रूल नंबर 6 है, कि अगर मान लीजिए a की पावर में फ्रैक्शन लिखा हुआ है हाफ, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि रूट को हाफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और क्यूबिक रूट जो होता है उसको 1/3 से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, कि मतलब इसको 3 लिखा है तो यहाँ 1/3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा रहता है, तभी तो आप दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है, दो दो का पेयर बनाते हैं ना स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तभी आप दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए 1/2 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट ए, क्योंकि ए अंडर रूट का ही वैल्यू होता है, यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए रूट में रहेगा और यहाँ पे आप क्यूब रूट लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। अगर ए की पावर में 1/5 लिखा हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, ए की पावर में यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि ए की पावर में अगर 1/m लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए अंदर रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो इस चीज को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाले रूल में लिखा है कि a की पावर में p/q है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, आप a की पावर में p करके 1/q को अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो हुआ है ना, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, p((1/q) लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि q को अंदर कर सकते हैं 1/q, और p को बाहर कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 1/q मल्टीप्लाई बाई p, यानी 1/q को आप अंदर कर सकते हैं और p को बाहर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दें कि अब इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, देखें कैसे, कि यहाँ पे देखिए ये 1/2 के फॉर्म का है कि नहीं, तो इसको आप क्यूब रूट करके यहाँ पे q लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a की पावर p लिख सकते हैं। अभी इससे पहले वाले रूल में मैंने इसको डिफाइन किया था, तो
इस तरह से जितने भी रूल हैं लगभग मैंने सबको बता दिया है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ, आपको उस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जिससे कि इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम आए आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 की पावर 5 है, मैं केवल एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि पावर में जितना भी लिखा रहे बेस उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से इस तरह वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरे तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2 की पावर में -9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले इसको क्या समझना है कि 2 की पावर में -9 / 1 समझना है, मैंने इसका रूल बताया था, तो ये इसको अब उल्टा कर देंगे तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 9 की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेना है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, टोटल 9 बार हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा आप उसको आंसर लिख लीजिएगा। तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आती है, 32 आती है, ठीक है। तो 6 बार में आ जाएगा 64, फिर डबल करेंगे तो 128, 7 बार में, 8 बार में कितना आ जाएगा, 256, और 9 बार में कितना आ जाएगा, 512, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखें अगला, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि 125 की पावर में क्या दिया है, 1/3। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको ये समझें, इसको देखिए करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको मैंने बताया था कि ये वाला तरीका, 125 और यहाँ 1/3 है तो 3 यहाँ पे आएगा, मतलब तीन तीन का पेयर बनेगा। तो जब जब आप 125 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5। अब 3 का पेयर बन रहा है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया जो रूल नंबर 6 में मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे 125 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, बाहर क्या है, 1/3 है। तो मैंने जब ऐसे लिखा होता है तो मैंने आपको बताया है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो होता है, तो इसे कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, आप चाहे जो भी करें। यहाँ पे क्या करना होगा, 5 का पेयर बनेगा, यहाँ पे कितने का बनेगा, 4 का बनेगा, या तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने लिख के सॉल्व करके बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देखें, 4 नंबर। अब ये भी सेम टू सेम है, 343 की पावर में क्या दिया है, 2/3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 2 तरीके से, ठीक है। एक तरीका तो सिंपल वाला है, ये कितने का है, 7 का क्यूब है ना, और ये यहाँ पे क्या है, 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई तो होता है, तो ये इसे कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। या तो आप चाहें तो इसको उस तरह से लिख सकते हैं कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल आपको हो सकता है देखने में लगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 343 स्क्वायर को आप अंदर रखिए और 1/3 को आप क्या कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा देखें, ये हो जाएगा 343 × 343, ठीक है। अब 343 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 7 × 7 × 7, और एक और 343 है तो 7 × 7 × 7। अब तीन तीन का पेयर बन गया ना, तो एक एक बाहर आ जाएगा, तो 7 × 7 बाहर आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 49। तो आप जब रूल पढ़ लिए हैं तो आप हर एक रूल का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें अगले तरह का क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, 512 के पावर में क्या है, -7/9। तो आपको क्या कर लेना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आप इसको चाहें तो एक बार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 512 कितने का आ रहा था, अभी मैंने सॉल्व किया था, 2 की पावर 9 आ रहा था, है ना, 2 की पावर में 9 आ रहा था, अभी मैंने इसे पहले बताया था, 7/9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर में 9 मल्टीप्लाई में -7/9, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 की पावर में -7। अब इसको आप अपॉन में 1 समझ सकते हैं, इसको 1/2 की पावर में 7 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 7 की वैल्यू आपको पता है, 5 की वैल्यू 32 होती है, 6 की वैल्यू 64, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब इसको बोला है कि बस पॉजिटिव में लिखना है इसको, ठीक है, बस पॉजिटिव में लिखना है। तो देखिए 2 × x की पावर में क्या है, -1/4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो +1/4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, भाई पॉजिटिव में हो गया ना। इस वाले को भी पॉजिटिव में लिखना है, तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है,
देखिए, 4a³ तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे एक्स पावर में -2 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव में आप कर लेंगे इसको, ए की पावर में -2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आपको इसको क्या कर देना है, 1/4 ए की पावर में -2 लिखा है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा अपॉन 4, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखें सिंप्लीफाई करना है, तो ए की पावर में -1/3 है, ठीक है -1/3 है, और 2a² में -1/2 है, तो 2 तो बाहर रहेगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर में -1/3 इंटू ए की पावर में -1/2, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना, तो ए की पावर में पावर कैसे आ जाएगी, -1/3 प्लस -1/2 ऐड हो जाएगी ना, जब बेस सेम है तो 2 इंटू ए की पावर में -1/3 और -1/2, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -5/6, एलसीएम हो जाएगा 6, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ -2 -3 -5/6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है इसको बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखें 2 की पावर में क्या लिखा है, 2 इंटू ए की पावर में -2 है, अब ये जो ए की पावर में -3/2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3/2 बन जाएगा, अब दोनों आपस में देखें मल्टीप्लाई हुआ है, तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो -2 +3/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू ए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 +3 यानी -1/3, 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ये भी ले सकते हैं, 2 नीचे ला के इसको 1/2 प्लस का कर सकते हैं, और 1/2 पावर में लिखा हुआ है तो आप इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो आपका ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ए का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें भाई, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, मैंने बताया था, फिर इंटू a³, अब यहाँ पे 1/2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बस दोनों का बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई का है, तो मतलब पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब पावर को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 4 और 9 4 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर में 4 3 9, ठीक है सही है, तो 13/6 हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो आप और क्या लिख सकते हैं, देखें आप ध्यान से देखें, आप लिख सकते हैं ए की पावर में 13 इंटू 1/6, आप ऐसे लिख सकते हैं, अब ए की पावर में 13 को आप अंदर रख सकते हैं और इसको 6 रूट ऐसे बना सकते हैं, तो आप रूल जब पढ़ लिए हैं तो आप इसको किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद आपको जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो करके, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताने होंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर देना है, वहाँ पे ग्रुप में इसका आंसर करके स्क्रीनशॉट आपको खींच करके भेजना है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये सारा आपको सॉल्व करके वहाँ पे बताना है, मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं वहाँ पे अगर आपका कोई दिक्कत रहेगा तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आप वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और जो मैं आपको रेगुलरली बोलता हूँ कि इसको शेयर और प्लस एक कमेंट, ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं आप, तो थैंक्स तो लिख सकते हैं, बस आपको यही करना है। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।